वसंत छा गया, कोकिला का उठी स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए चमन में वसंत छा गया, आप आए चमन में वसंत छा गया, कोकिला का उठी स्वागतम 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 स्वागतम। नीली आकाश से फूल झड़ने लगी, चांद तारे गगन में बिखरने लगी। नीली आकाश से फूल झड़ने लगी, चांद तारे गगन में बिखरने लगी। बज उठी आज आनंद की बांसुरी, बज उठी आज आनंद की बांसुरी, स्वर निकलने लगी स्वागतम 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 स्वागतम। आज धरती खुशी से हरी हो गई, पंख वाली तितलियां परी हो गई। आज धरती खुशी से हरी हो गई, पंख वाली तितलियां परी हो गई। पालकों की झुकी डालियां कह रही, पालकों की झुकी डालियां कह रही, स्वर निकलने लगी स्वागतम 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 स्वागतम। ने का काम अपने फंड से शुरू किया है, ये तो एक्स्ट्रा है जो स्टेट बैंक ने दिया है। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि मैडम आपके यहाँ से यह शुभ उद्घाटन होगा मशीन का, और उम्मीद है कि हमारा काम और आगे बढ़ता रहेगा आपसे। मैं आपसे एक और मैडम रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार सरकार का इसमें सहयोग हो जाए। ऐसे एक अनाउंसमेंट तो आपके विभाग से हुआ है, जो महिला विकास सचिव हैं उन्होंने की है। हाँ, उन्होंने किया है कि मैं शहरी क्षेत्रों में और जिला कार्यालय में मैं मशीन लगवाऊंगी, लेकिन मैडम मेरा आग्रह रहेगा कि अगर इसमें ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा आवश्यक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी संभव हो पाएगा। मैडम यह मेरा आग्रह है आपसे, आप कृपया इसको करवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद मैडम। सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विकास रंजन नोवा GSR की टीम से। तो जैसा हमारे अभिभावक एवं अग्रज रमेश चंद मिश्रा जी ने बताया कि इस प्रमंडल में लगभग 200 लगभग नहीं 200 मशीन हमारा लगाया जा चुका है। तो नोवा GSR की टीम सिर्फ और सिर्फ इस मशीन को लगाने के लिए तत्पर नहीं है, आप सभी बच्चियों के लिए इस मशीन को लगाया जा रहा है जिसमें सैनिटरी पैड रखा हुआ है। आप उसमें 2 रुपये का सिक्का डालिए, सैनिटरी पैड बाहर निकलेगा, उसको प्रयोग में लाइए। यूज़ किए हुए उस पैड को आप इंसिनेटर मशीन में रखकर जला भी सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और अनूठा पहल है। नोवा GSR टीम, जो कि नेत्रहाट ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानी जाती है, उस टीम के रमेश चंद्र मिश्रा जी की लीडरशिप में हम लोग इस प्रमंडल में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार आप लोग सब जोरदार तालियों से हमारा स्वागत कीजिए और इनका अभिनंदन कीजिए कि इनके लीडरशिप में हम लोग यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, और जैसा रमेश जी ने रिक्वेस्ट किया और मेरा भी यही इनसे आग्रह रहेगा कि आप लोग हमारे जनप्रतिनिधि, आपके पास बहुत स्कोप होते हैं महिलाओं और बच्चियों के लिए काम करने के लिए। तो इस मन से हम लोग का एक रिक्वेस्ट उनसे है कि जैसा भी संभव हो सके हम लोगों को इस मुहिम में मदद कीजिए। पूरे बिहार झारखंड में हम लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू से ही हम लोगों को काफ़ी मदद किया है। उनका भी मानना है कि जिस तरह से आप लोग हेल्थ एंड हाइजीन पर काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये कमिटमेंट है कि हेल्थ एंड हाइजीन पर लोग सपोर्ट करें, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार हम लोगों को सपोर्ट कर रही है। उनके इस नए कमिटमेंट में उन्होंने 200 मशीन हम लोगों को दिया है कि आप घूम के पूरे बिहार झारखंड में 200 मशीन लगवाइए। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो रही है, हमारा संकल्प भी काफ़ी बड़ा है, और आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित ही हम लोग
जो रमेश जी ने बताया कि 1000 मशीन का जो हमारा संकल्प है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आपके यहाँ आना एक बहुत ही बड़ा हम लोग के लिए मौका है और बहुत हम लोग खुश हैं कि आपके हाथों से आज का ये कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं विकास कुमार, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक, मंच पास इन सभी माननीय मान्यगण के सारे सदस्य, रमेश सर जो हमारे वरिष्ठ नोबा जी सर के सदस्य हैं, भारतीय स्टेट बैंक जो ये नोबा जी सर हेल्थ और हाइजीन के लिए काम कर रही है उसका पार्ट में भाग होना भारतीय स्टेट बैंक के गर्व की बात है। और समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग काम करते हैं और ज़िंदगी हमारी ऐसे ही कट जाती है अपने अपने काम करते हुए, और अक्सर कई लोग कर नहीं पाते हैं। तो नोबा जी एस आर ने एक माध्यम दिया है हमें कि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। सभी से आग्रह है जो भी कुछ कर सकते हैं जीवन में भी हम इसमें पार्टिसिपेट करें, वो आगे बढ़ और इसमें पार्टिसिपेट करें। समाज में जितना हम देंगे वो हमें उतनी खुशी देती है, वो इटर्नल खुशी देती है। जो प्राप्त करने की खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी वो देने की खुशी होती है। अभी से आप जो भी है, और इस मौके पे मंत्री महोदय मैम आई हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही खुशी का क्षण है कि हम लोग एक बहुत ही अच्छे काम की दिशा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नोबा जीएसआर के द्वारा और स्टेट बैंक के सहयोग से आज यहाँ सैनिटरी पैड मशीन के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर जाने माने इस इलाके के और हम सब के अभिभावक, कई संस्थाओं के इस इलाके में स्थापित करने वाले शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले ऐसे समाजसेवी आदरणीय रमेश चंद्र मिश्र जी जो इस संस्था से भी जुड़े हैं और इस पूर्णिया और कोसी के इंचार्ज भी हैं, यहाँ उपस्थित डायरेक्टर साहब आदरणीय पाल जी, रीजनल मैनेजर यहाँ स्टेट बैंक के आदरणीय विकास जी, यहाँ उपस्थित नोबा जीएसआर के प्रतिनिधि विकास रंजन जी, यहाँ उपस्थित सभी इस संस्था से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, इस प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, सभी कर्मी, यहाँ उपस्थित जिनके लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, इस उच्च विद्यालय की सभी छात्राएं, अन्य सभी उपस्थित सज्जन वृंद, मीडिया के साथी, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस तरह की पहल इस संस्था के द्वारा और स्टेट बैंक के द्वारा जो किया गया है, सामाजिक दायित्व का पालन, बहुत ही अच्छी पहल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए
वो कम है। आज हमारे यहाँ पर सभी बच्चियाँ ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ये जो सैनिटरी पैड की जो यहाँ मशीन का जो उद्घाटन है ये बहुत ही स्वास्थ्य को लेकर स्वच्छता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और कई संस्थाएं इस तरह की पहल कर रही है और आप लोग और मेरे क्षेत्र में यहाँ पर बच्चियों के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम अपने इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते सभी का मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ इस तरह के काम के लिए। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इस ग्रामीण इलाके में इस तरह की मशीन लगे और जो पहले के ज़माने में इस तरह की बात लोग नहीं बोलते थे, लज्जा होती थी कि क्या इस तरह की चर्चा करेंगे बात करेंगे, वो सब अब ज़माना बदल चुका है और ये हेल्थ से और स्वच्छता से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें संकोच भी नहीं करना चाहिए। अब देश और दुनिया बदल रहा है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार भी कटिबद्ध है, कई तरह की स्कीम चल रही है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पोशाक में अभी साइकिल दी जा रही है, छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो कई तरह की सुविधा दिया जा रहा है जो महिलाओं को बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए। अभी आरम साहब बोल रहे थे कि इस तरह के और भी प्रयास होने चाहिए सरकार के स्तर पर, अभी सरकार के स्तर पर भी ये जो शहरी इलाका है वहाँ पर करने का है, लेकिन हम लोग भी बात करेंगे विभागीय मिनिस्टर से सरकार से कि और भी इसका व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार स्तर से भी हम लोग करेंगे। ये बहुत ही नेक काम के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। संस्था और स्टेट बैंक के मैनेजमेंट है वो धन्यवाद के पात्र है कि जो आज के दौर में लोग मिलने के अभाव में भी उनको यदि यहाँ स्कूल में ये व्यवस्था लग गई है तो अब सुविधा से वो 2 रुपया दे के अपना सैनिटरी पैड निकाल के अपना यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे गरीब बच्चियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ने आती हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है मशीन लगना। इसके लिए हम स्टेट बैंक और नोबा के संस्था के सभी अधिकारी को धन्यवाद देते हैं। सरकार के द्वारा भी ये बात चल रही है कि लगाने की बात, तो हम लोग और बात करके इसको और बृहद रूप में चाहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर भी इसको इस मशीन को लगाया जाए ताकि जो कई तरह की इन्फेक्शन होता है सैनिटरी पैड यूज नहीं करने से उससे बचा जा सके और जो हमारी महिलाएं हैं उसको सुविधा भी मिले। ये हमारे तरफ से भी सरकार को और विभागीय विभाग में मिनिस्टर से भी मिलके हम लोग और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लगे। ये टारगेट है 51 और लगाने का जनवरी माह तक, क्योंकि अब तो विद्यालय सरकारी विद्यालय सब बंद हो गए हैं तो 15 के बाद ही अब लगाया जाएगा, तो 200 मशीन यहाँ 250 मशीन लग जाएगा, 200 लगा हुआ है, 50-51 और लगेगा। पूरे बिहार और झारखंड में 300 लगा है लेकिन टारगेट है 1000 का,
उसके लिए लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तरहाट पूर्ववर्ती छात्र संगठन अपने सामाजिक और वैश्विक जिम्मेदारी के तहत यह नोवा जीएसआर का प्रोग्राम चला रही है और ये इस पूरे कॉन्सेप्ट में संगनी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन से रिलेटेड है, महिलाओं और बच्चियों के हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो बात अभी जानने और सुनने को मिला है, मेरी एक अपील है खासकर अपने बिहार झारखंड के लोगों से कि बहुत ही हाइजेनिक तरीके से महिलाओं और बच्चियों को अपने मासिक धर्म के समय में सैनिटरी पैड का प्रयोग करना है, कपड़े का प्रयोग नहीं करना है, जो भी डिफरेंट तरह की बीमारियां हो रही हैं उस बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या बचाव हो सकता है उन सब चीज़ों को ध्यान देना है। हम एक जागरूकता अभियान के तहत ये भी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैड का यूज़ कीजिए और मुझे मालूम है कि उन तक पैड नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारी बच्चियां ऐसे भी हैं जो कि पैड नहीं खरीद सकती हैं, तो हम उन तक पहुंचकर काफ़ी आसान आई थिंक 2 रुपये में हम लोग एक पैड मुहैया करा रहे हैं और मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैड यूज़ कीजिए और इस पूरे संकल्प को बिहार झारखंड के डिफरेंट क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या फिर समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनका भी हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। मेरा नाम विकास रंजन है, मैं पिछले 8 साल से टोक्यो जापान में हूँ और नोवा जीएसआर के प्रोजेक्ट के फाउंडर मेंबर के रूप में भी कार्यरत हूँ। संगनी है संग किस बात का गम, अब हमारी पढ़ाई नहीं बनेगी रुकावट। संगनी है संग अब किस बात का है गम, अब हमारी पढ़ाई नहीं बनेगी रुकावट। नाम पूजा कुमारी, प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुर।